बिग बैंग के बारे में आप जो कुछ भी सोचते हैं वह गलत हो सकता है। हर चीज की शुरुआत होती है और यही बात ब्रह्मांड के साथ भी है। जब हर चीज की उत्पत्ति की बात आती है तो बिग बैंग सिद्धांत सबसे अधिक स्वीकृत वैज्ञानिक सिद्धांत बन जाता है। नहीं, यह कोई विस्फोट नहीं था जैसा कि आप मानते हैं, बल्कि यह महज पदार्थ के बीच की जगह का विस्तार था। हालांकि ऐसे खगोल शास्त्री और ब्रह्मांड विज्ञानी हैं जो अभी भी इस सिद्धांत से सहमत नहीं हो पाए हैं। जब वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री एक विस्तारित ब्रह्मांड के बारे में बात करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड वास्तव में किसमें विस्तार कर रहा है। बिग बैंग सिद्धांत वास्तव में क्या है? क्या हमारे ब्रह्मांड से परे भी कुछ है? खैर, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका हमें जवाब ढूंढने की जरूरत है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानने के लिए और बिग बैंग सिद्धांत भ्रामक क्यों हो सकता है, जानने के लिए अंत तक देखते रहें। ब्रह्मांड के प्रारंभिक विकास के लिए बिग बैंग सिद्धांत अब तक की सबसे सम्मोहक व्याख्या है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार अत्यंत गर्म, छोटी और सघन अवस्था से हुआ और तब से यह लाखों वर्षों की अवधि में विस्तारित और कम सघन होता गया और ठंडा होता गया। लेकिन बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करने के लिए हमारे पास क्या सबूत है? खैर, हमारे पास दो प्रमुख वैज्ञानिक खोजें हैं जो बिग बैंग सिद्धांत के लिए मजबूत समर्थन प्रदान करती हैं। हमारे पास 1920 के दशक में हबल की खोज है, जहां उन्होंने पृथ्वी से आकाशगंगा की दूरी और उसकी गति के बीच संबंध की खोज की थी। फिर आपके पास 1960 के दशक में कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण की खोज है। ब्रह्मांड में हर चीज का आकार मूलभूत बलों की ताकत से नियंत्रित होता है, जो परमाणुओं और उपपरमाणु कणों को एक साथ रखते हैं। और जहां तक हम जानते हैं, चीजें ज्यादा नहीं बदली हैं। इसके बजाय यह आकाश गंगाओं के बीच का स्थान है जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड अपने आप में विस्तार कर रहा है। लेकिन हम वास्तव में कैसे जानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? खैर, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रह्मांड को स्थिर माना जाता था, जिसका अर्थ है कि इसका आकार हमेशा एक ही होता है, जहां कोई विस्तार या संकुचन नहीं होता है। लेकिन 1924 में चीजें बदल गईं, जब खगोल शास्त्री एडविन हबल ने पृथ्वी से आकाश में दूरस्थ वस्तुओं की दूरी मापने के लिए हेनरिएटा लेविट द्वारा विकसित तकनीक का इस्तेमाल किया। हबल ने इन वस्तुओं की यात्रा की गति को मापने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेड शिफ्ट डेटा का उपयोग किया, फिर उनकी गति के विरुद्ध पृथ्वी से उनकी दूरी को मापा। तभी उन्होंने पता लगाया कि जिस गति से खगोलीय पिंड एक दूसरे से दूर जाते हैं, वह एक दूसरे से उनकी दूरी के समानुपाती होता है। सरल शब्दों में कहें तो वस्तुएं हमसे जितनी दूर हैं, वे उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही हैं। इसे अब हबल नियम के नाम से जाना जाता है। हबल ने जिस संबंध की खोज की, उसे बाद में ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया गया। आकाश गंगाओं की कल्पना एक गुब्बारे की सतह पर कुछ बिंदुओं के रूप में करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा बिंदु चुनते हैं, प्रत्येक बिंदु उससे दूर जा रहा है और सबसे दूर वाले बिंदु और भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गुब्बारे की सतह एक विस्तारित दो आयामी आकार है, जबकि दूसरी ओर ब्रह्मांड तीन या अधिक आयामों में विस्तारित हो रहा है। गुब्बारा मौजूदा अंतरिक्ष में भी फैलता है, जबकि ब्रह्मांड अपने आप में फैलता है, कम से कम हमारे बहुत सीमित ज्ञान के साथ। एडविन हबल को यह भी एहसास हुआ कि वह जो दूर की वस्तुएं देख रहे थे, वे आकाश गंगा से बहुत दूर थीं। यह पहली बार था जब मनुष्यों को पता चला कि आकाश गंगा के बाहर संरचनाएं मौजूद हैं। आज हम जानते हैं कि हबल ने जिन वस्तुओं का अवलोकन किया, वे हमारी अपनी आकाश गंगा के समान आकाश गंगाएं हैं और हमारे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में उनकी संख्या अरबों से अधिक है। आप में से जो लोग नहीं जानते हैं, उनके लिए अवलोकन योग्य ब्रह्मांड, जैसा कि नाम से पता चलता है, वह ब्रह्मांड है जिसे हम पृथ्वी तक पहुंचने वाले प्रकाश की बदौलत देख सकते हैं। हबल की खोज ने उस चीज के लिए अतिरिक्त सबूत प्रदान किए जिसे बाद में दी बिग बैंग के नाम से जाना गया, जिसे पहली बार 1947 में जॉर्जेस लेमेत्रे द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
जो खगोल विज्ञान के लिए एक बड़ा कदम था। बिग बैंग के लगभग 380,000 साल बाद ब्रह्मांड पारदर्शी प्रकाश बन गया और अगले कई अरब वर्षों तक गुरुत्वाकर्षण ने ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा कर दिया। बिग बैंग के लगभग 8 अरब वर्ष बाद ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से होने लगा और ब्रह्मांड विज्ञानियों का मानना था कि यह सब डार्क एनर्जी नामक किसी चीज के प्रभाव के कारण है, जो पदार्थ को अन्य पदार्थ से विकर्षित करवाकर ब्रह्मांड का विस्तार कर रही है। लेकिन ब्रह्मांड के बारे में अधिकांश अन्य चीजों की तरह ही डार्क एनर्जी के आसपास की हर चीज एक पूर्ण रहस्य है। ब्रह्मांड विज्ञानी आज के ब्रह्मांड के सैद्धांतिक तापमान की गणना करने में सक्षम थे और इसके लिए साक्ष्य की खोज शुरू कर दी। अंततः इसे 1964 में अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन द्वारा दुर्घटनावश एक एंटीना में शोर के रूप में खोजा गया था, जिसे उन्होंने यह शोध करने के लिए बनाया था कि रेडियो सिग्नल परिक्रमा करने वाले उपग्रहों से कैसे परिलक्षित हो सकते हैं। उन्होंने शुरू में सोचा कि यह पास के न्यूयॉर्क शहर से रेडियो हस्तक्षेप था, लेकिन आखिरकार उन्होंने पहचान लिया कि वे किसी बड़ी चीज की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यह विकिरण आकाशगंगा से बहुत दूर से था। आज ब्रह्मांड के विस्तार और शीतलन के कारण ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण बहुत ठंडा है और यह पूरे ब्रह्मांड को भर देता है और आकाश के हर हिस्से में दिन और रात का पता लगाया जा सकता है। अब यदि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो वह किसमें फैल रहा है? क्या हमारे ब्रह्मांड से परे भी कुछ है? खैर, हमारी अपनी आकाश गंगाओं से बाहर की आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और जो हमसे सबसे दूर हैं, वे और भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसका मतलब यह है कि आप चाहे किसी भी आकाश गंगा में हो, जो भी आकाश गंगाएं आप देख रहे हैं वे आपसे दूर जा रही हैं। लेकिन ये आकाश गंगाएं अंतरिक्ष में नहीं घूम रही हैं, वे अंतरिक्ष में घूम रही हैं, क्योंकि अंतरिक्ष भी अपने आप में घूम रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है और हर चीज से दूर जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्मांड में अस्तित्व में मौजूद हर चीज शामिल है, सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़ी आकाश गंगा तक, जिसे खोजने का हमें सौभाग्य मिला है। ब्रह्मांड का एकमात्र हिस्सा जिसे हम जानते हैं, उसे अवलोकनीय ब्रह्मांड कहा जाता है, जो पृथ्वी के चारों ओर का क्षेत्र है जहां प्रकाश हम तक पहुंच सकता है। विस्तारित ब्रह्मांड को समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ब्रह्मांड की कल्पना किशमिश की रोटी के आटे की तरह की जाए। जैसे जैसे ब्रेड का आटा ऊपर उठेगा और फैलेगा, किशमिश एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, लेकिन फिर भी वे आटे के अंदर ही रहेंगी। ब्रह्मांड के मामले में वहां अधिक किशमिश या आकाश गंगाएं हो सकती हैं, लेकिन हम अब और नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वे इतनी तेजी से दूर चले गए हैं कि प्रकाश कभी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन सौभाग्य से गुरुत्वाकर्षण हमेशा स्थानीय स्तर पर चीजों के नियंत्रण में रहा है, और यही वह चीज है जो सभी किशमिश या हमारे मामले में आकाश गंगाओं को एक साथ रखती है। वैज्ञानिकों ने अब खुलासा किया है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण विस्तार धीमा हो रहा है और ब्रह्मांड अनंत काल तक विस्तारित हो सकता है। सुपरनोवा और डार्क एनर्जी नामक बल पर नए अध्ययन ब्रह्मांड के संभावित भाग्य को बदल सकते हैं। लेकिन अगर बिग बैंग सिद्धांत बहुत सारे सबूतों से समर्थित है, तो कुछ अन्य खगोल शास्त्री और ब्रह्मांड विज्ञानी विस्तारित ब्रह्मांड के विचार को क्यों अस्वीकार करते हैं? ऐसे कई अवलोकन हैं जो विस्तारित ब्रह्मांड का समर्थन नहीं करते हैं, जो बिग बैंग को अस्वीकार कर सकते हैं। तो ब्रह्मांड विज्ञान में वास्तविक संकट यह तथ्य होगा कि बिग बैंग पहले कभी नहीं हुआ था। बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में किसी भी अतिगर्म विस्फोट से कुछ निश्चित मात्रा में प्रकाश तत्व लिथियम और बड़ी मात्रा में हीलियम उत्पन्न हुआ होगा। लेकिन जब खगोलविदों ने पुरानी आकाश गंगाओं का अवलोकन किया, तो लिथियम की मात्रा कम थी और पुराने सितारों में यह अनुमानित स्तर का लगभग 1/10 हिस्सा था। हमारे ठीक निकट के सबसे पुराने तारों में हीलियम की मात्रा अनुमान से आधी से भी कम है। इसके बाद एंटी मैटर और मैटर विनाश आता है। चूंकि बिग बैंग के तीव्र विकिरण से समान मात्रा में पदार्थ और एंटी मैटर उत्पन्न होते हैं, कण एंटी पार्टिकल जोड़े के पारस्परिक विलोपन से जीवित पदार्थ का घनत्व लगभग 10 तक नकारात्मक
17 प्रोटॉन प्रति घन सेंटीमीटर की शक्ति तक कम हो सकता है। लेकिन अवलोकनों की एक अलग कहानी है। ब्रह्मांड में पदार्थ का घनत्व लगभग 10 से घात ऋणात्मक 7 आयन प्रति घन सेंटीमीटर देखा गया है, जो किसी भी बिग बैंग भविष्यवाणी से 10 अरब गुना अधिक है। बिग बैंग समर्थकों ने पदार्थ और एंटी मैटर के बीच कुछ अज्ञात विषमता का प्रस्ताव दिया है, जिससे पदार्थ का अधिक उत्पादन होगा, लेकिन प्रयोगशाला प्रयोगों में ऐसा कभी नहीं देखा गया है। इसके बाद आपके पास सतह की चमक है, क्योंकि एक विस्तारित ब्रह्मांड में एक ऑप्टिकल भ्रम उच्च रेड शिफ्ट पर वस्तुओं को बड़ा और धुंधला बना देता है, इसलिए उनकी सतह की चमक, जो स्पष्ट क्षेत्र की स्पष्ट चमक का अनुपात है, लाल शिफ्ट के साथ तेजी से घट जाती है। हजारों आकाश गंगाओं के अवलोकन के आधार पर सतह की चमक पूरी तरह से दूरी के अनुरूप है, जैसा कि एक ऐसे ब्रह्मांड में अपेक्षित है जो विस्तार नहीं कर रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत पूरी तरह से चिकनी और सजातीय होनी चाहिए और समय के साथ इसका आकार बढ़ता जाएगा। लेकिन अवलोकनों के अनुसार हमने पहले ही आकाश गंगाओं की विशाल संरचनाओं की खोज कर ली है, जो बिग बैंग के बाद के समय में बनने के लिए बहुत बड़ी हैं। और अंत में हमें डार्क मैटर पर चर्चा करनी होगी। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार इसके लिए डार्क मैटर के अस्तित्व की आवश्यकता होती है, जो बेहद रहस्यमय कण होते हैं, जिनके बारे में अधिक जानने के लिए कई संसाधन खर्च करने के बावजूद हमने प्रयोगशाला में कभी नहीं देखा होगा। अवलोकनों और साक्ष्यों की कई पंक्तियों के अनुसार, विशेष रूप से आकाश गंगाओं की गति के अवलोकन के अनुसार, यह काला पदार्थ अस्तित्व में नहीं हो सकता है और यह कुछ ऐसा है जिसे हमने पूरी तरह से बनाया है। पृथ्वी पर अत्यधिक संवेदनशील दूरबीनें डार्क मैटर कणों का पता लगाने में विफल रही हैं। लेकिन यह इस तथ्य के कारण भी हो सकता है कि हमारे पास अभी तक डार्क मैटर से निपटने के लिए उस तरह की तकनीक नहीं है। लेकिन अगर डार्क मैटर अस्तित्व में है, तो यह आकाश गंगाओं पर चिपचिपापन प्रभाव पैदा करेगा, जो कई लंबे समय तक जीवित रहने वाले समूहों के अस्तित्व को रोक देगा। जिन आकाश गंगाओं का अवलोकन किया गया है, अभी आप इस तथ्य को आसानी से नकार सकते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के निर्माण के लिए सबसे सम्मोहक व्याख्या है, और यह निकट भविष्य में तब तक ऐसा ही जारी रहेगा जब तक हम इस सिद्धांत के भीतर विसंगतियों का पता नहीं लगा लेते, क्योंकि हम अपनी तकनीक में सुधार करते हैं। हमारे लिए ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में बात करने की तुलना में ब्रह्मांड की शुरुआत और बिग बैंग सिद्धांत के बारे में व्याख्या करना आसान हो सकता है। ब्रह्मांड हमेशा के लिए भी रह सकता है, लेकिन हम कभी नहीं जान पाएंगे, या रिवर्स बिग बैंग प्रभाव नामक किसी चीज के कारण इसका अस्तित्व खत्म हो सकता है।